डॉक्टर अलका चौधरी हूँ, मैं NRHM की तरफ से हूँ। सर, हम सारे जो आप देख रहे हैं, हम सारे NRHM के कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं NRHM के। हम 2700 लोग हैं और हमारी दिल्ली सरकार से डिमांड है कि हमें सेम वर्क सेम पे दिया जाए। और इस मांग को आज से नहीं, हम 3 साल से लड़े हैं। हर बार हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, हाँ जी हो जाएगा। हमने गत मार्च में भी स्ट्राइक की थी, उसमें स्वास्थ्य मंत्री आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, लिखित में दिया था कि आप स्ट्राइक छोड़ दीजिए, आपका 1 अप्रैल तक हम सेम वर्क सेम पे कर देंगे। और ये भी कहा था अगर आपका सेम वर्क सेम पे नहीं हुआ तो हमने कहा हम 1 अप्रैल से फिर आ जाए। उन्होंने कहा आप आ जाइएगा, या अगर किसी और राज्य में लागू होता है तो मुझे करके दिखा दीजिए वो पेपर और मैं आपका तुरंत लागू कर दूंगा। केवल उनके आश्वासन पे हम ये वहाँ से उठे थे, क्योंकि उनको पंजाब जाना था इलेक्शन लड़ने। उन्होंने केवल इसीलिए हम लोग 2700 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 18 तारीख को हम बैठे थे, जिसमें सर TV है, जो हमारी NMDB हैं, हमारे सारे प्रोग्राम 11 वर्टिकल प्रोग्राम हमारे चलते हैं, उनके सारे वो हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, सर सब कुछ है। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएँ बिल्कुल लाचार हो गई हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि सारा काम चल रहा है। 2700 लोग जब यहाँ हैं, अगर हॉस्पिटल से भी निकाल देंगे, क्या हॉस्पिटल का काम प्रभावित नहीं हो रहा? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप बताइए? और क्या मांगे हमारी? जब इतना 1000 करोड़ का बजट इनके पास आता है तो ये क्या हमारी चेंबर चैम्पियन ही पूरा कर सकते हैं? इनके विधायकों की सैलरी कम हो तो ये जमीन आसमान एक कर देते हैं। और क्या करते हैं इनके विधायक? देखिए जाके हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। आज दिल्ली की ये हालत है, हर जगह हाहाकार है। पर हम स्वास्थ्य के लोग हैं सर, हम काम करना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को ये नहीं बताना चाहते कि आज हम डिस्पेंसरी ना जाके धरने पे जा रहे हैं, हमें अच्छा लगता है बताना। वो 18 तारीख से हम यहाँ बैठे हैं, तो हम दिल्ली सरकार से यही कहते हैं हमें LG के पाले में ना डाले कि LG के पास फाइल चली गई है, वहाँ फाइल चली गई है। हम बहुत स्वास्थ्य के लोग हैं, हमें अपनी सर्विसेज देने दीजिए, हमें अपने मरीज 2700 लोग जितने भी NRHM के कर्मचारी हैं, इस बार बिल्कुल कोई लॉलीपॉप नहीं लेंगे जब तक बजट में हमारे पास लिख के ना आ जाए। हम यहीं बैठे हैं, हम नहीं उठेंगे। और यहाँ पे टर्मिनेशन का और वो डर दिखाते हैं। एक बार हम कहते हैं ठीक है टर्मिनेशन हो जाए, हम टर्मिनेशन कम से कम एक तो संतुष्टि होगी। मास टर्मिनेशन के लिए मांग करते हैं सर। हम किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहते अपने मरीजों की। हमें भी बहुत याद आती है, मोहल्ले में हमें लोग पूछते हैं डॉक्टर आप कहाँ हैं, वो NMDB कहाँ है, वो टीबी वाली दवाई देने वाला बंदा कहाँ है। आप अंदाज़ा लगाइए कितने लोग आजकल डेंगू चिकनगुनिया, कल आपके उसमें था टीवी चैनल में, लोग प्रभावित हो रहे हैं। TB की दवाई जिस मरीज को रोज़ मिलनी चाहिए, क्या वो मिल पा रही है? इसके जवाब कौन देगा? TB के सारे दोस्त हैं, सारे कर्मचारी यहाँ पर हैं, कौन दे रहा है वो दवाई? किसको बेवकूफ़ आप बनाते जा रहे हैं और कब तक बनाएंगे? सर, काश की गांजी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चलेगी। दोस्तों,